मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गाइडेड मेडिटेशन के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति को समेटे किसी कोने में बैठ जाइए, अपने मनपसंद पोस्चर में बैठिए, बस पीठ सीधी रखिए। अब अपने हाथ थाइज यानी जांग पर रखिए। अब अपना ध्यान हाथ और थाइज के सेंसेशंस पर ले आइए। देखिए कैसे हाथ थाइस पर रखे हुए हैं, कैसे हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही है। देखिए हाथ कितने ढीलेपन से थाइस पर रखे हुए हैं। केवल इतना करने से ही आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, विचारों की गति भी धीरे होती जा रही है। यहां से कामनेस का पहला प्रिंसिपल सीखते हैं। जब हम अपना ध्यान मन या विचार से हटाकर शरीर पर ले आते हैं, यानी जब मन और विचारों के प्रति कोई रिएक्शन नहीं होता, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। अब अपना ध्यान सांस पर ले आइए। नाक में जाती हुई हवा महसूस कीजिए और आराम से स्वाभाविक रूप में छोड़िए। अब अंदर जाती हुई सांस को गर्दन के अंदर छूता हुआ महसूस कीजिए और आराम से छोड़िए। अब अंदर आती हुई सांस को लंग्स में भरता हुआ महसूस कीजिए और आराम से छोड़िए। अब अंदर आती हुई सांस को पेट में भरता हुआ महसूस कीजिए और सांस छोड़ने के साथ पेट को खाली होता हुआ देखिए। पेट पर ध्यान ले जाने मात्र से बिना किसी एफर्ट के ही आपकी सांस हल्की सी गहरी हो रही है। यहां ना कोई कोशिश है ना कोई एफर्ट है, केवल देखा जा रहा है और ये देखना भी अपने आप हो रहा है। इसलिए शांत मन का दूसरा प्रिंसिपल है, अवेयरनेस भी एफर्टलेस है। सांस लेते समय पेट पर ध्यान रखने के लिए आप एक हाथ नाभि के ऊपर रख लीजिए। अब हम अगली सांस अंदर लेने के साथ गिनती शुरू करते हैं। सांस अंदर एक, बाहर दो, सांस अंदर तीन, बाहर चार, इस तरह से दस तक गिनिए। दस तक पहुंचने के बाद गिनती दोबारा शुरू कीजिए। बीच में ध्यान हट जाए तो शांति से ध्यान सांस पर ले आइए, वापस गिनती शुरू कीजिए। नोटिस कीजिए कि मन शांत हो जाए, मन जल्दी शांत हो जाए, ये मन की बनाई हुई इच्छाएं हैं और केवल इतना जानने से हम इन्हें दूर से देख सकते हैं। शांत मन का तीसरा प्रिंसिपल है, अवेयरनेस में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। मन में मूवमेंट है तो भी अच्छा है, मन शांत है तो भी अच्छा है, सब कुछ शांति में हो रहा है और सब कुछ है। हमारा ध्यान सांस पर बना हुआ है।
जैसे सांस अपने आप चलती है वैसे ही मैं ये सब अपने आप देख रहा हूँ। देखना या अवेयरनेस भी एफर्टलेस है और इस एफर्टलेसनेस में आनंद है। आइए सांस के साथ बने रहते हैं, बस इसे प्रेम से देखिए। अब इसके साथ गिनती शुरू करते हैं। सांस अंदर 1, सांस बाहर 2, सांस अंदर 3, बाहर 4। अगर गिनती बीच में छूट जाए तो याद आने पर दोबारा शुरू कीजिए, क्योंकि विचारों का आना और जाना नॉर्मल बात है। आप बस इसे बिना कमेंट्री के देख रहे हैं। शांत मन का चौथा प्रिंसिपल है, मन के प्रति रिएक्ट न करना आपको पुराने विचारों से फ्री कर देता है। मन के प्रति रिएक्ट न करने से आप इस समय अपने पास्ट से फ्री हैं। अपना ध्यान सांस पर बनाए रखिए। आप यहां हो और यहां से सब कुछ देख रहे हो, यही क्लैरिटी है। इस क्लैरिटी में कोई कोशिश नहीं है, इस क्लैरिटी में कोई अधूरापन नहीं है, ये पूरी तरह यहां मौजूद है। इस समय इस क्लैरिटी के साथ आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो। कभी कभी दिमाग पूरे दिन रिएक्ट करते हुए इतना थक जाता है कि समझदारी से सोच नहीं पाता। इसलिए जब आपको स्ट्रेस लगे या आप दिन में थक जाए तो इस मेडिटेशन का उपयोग कीजिए। आपको क्लैरिटी और रिलैक्सेशन महसूस होगा। अब आंख बंद रखते हुए ही धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियां हिलाइए। अब आंखें खोलिए और अपनी चेयर, आसन, कमरे, इनके प्रति अवेयर हो जाइए। मेडिटेशन यहीं समाप्त होता है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों याद रखिए, मन में आते और जाते विचारों के प्रति रिएक्ट न करने से हम एक क्लैरिटी के प्रति अवगत होते हैं। ये क्लैरिटी एफर्टलेस है। मैं आशा करता हूँ ये क्लैरिटी आपके साथ पूरे दिन बनी रहे। हम जीतेंगे।